वक्त चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहले खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। वोटों की गिनती में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। वहीं कमला पर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम ट्रंप कार्ड भारी पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत की बाजी मार ली है, तो वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को कई देश के प्रधानमंत्री भी बधाई दे चुके हैं, तो वहीं कमला हैरिस ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। वो एक जगह संबोधित करने वाली थी, लेकिन वहां पर फिलहाल वो नहीं जाएंगी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, और अब वैश्विक स्तर पर हम साथ मिलकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए काम करेंगे। तो वहीं अब वजह क्या रही कमला हैरिस के हारने की, पिछली सरकार में जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका जो रुख था वो काफी सख्त था। वहीं दूसरी तरह अगर हम बात करें तो कई जगह देखा गया कि अमेरिका कई देशों के मुकाबले उनकी सहायता नहीं कर पाया था, और जो ताकत के मामले में अमेरिका सबसे आगे था, कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी सामने आने लगी थी। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना दर्शाता था कि बाइडेन सरकार कमजोर थी, क्योंकि वहां पर कई सालों से अमेरिकी सेना थी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां पर सेना को हटा लिया गया, तो यही मुद्दे रहे जिन मुद्दों की वजह से अब की बार वहां की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया है। मैं कैमरामैन महेश के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। उत्तराखंड का एक और निवासी गृह आज पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ आकर उद्घाटन किया। लगातार क्या बताते हैं, उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह एक नया दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड की काफी समय से मांग थी, लेकिन आज उन पुस्तकों द्वारा यहाँ पर जो उत्तराखंड के सांसद थे मौजूद थे, वहाँ पर जो मौजूद थे, वहाँ के पूरे विधायक मौजूद थे, दिल्ली के वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो वहाँ मौजूद थे। लगा कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जो एक नया आवास मिला है, इसमें लोग अतिथि आएंगे रहेंगे, चाहे वो बाहर का हो चाहे उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड के लिए अनिवार्य किया। लेकिन देखना होगा आखिर इसकी जरूरत काफी अलग अलग खूबियाँ, क्योंकि पूरी तरह से उत्तराखंड की जो झलक है, उत्तराखंड के वासियों की जो झलक है, जो उत्तराखंड पहाड़ों में जो घर बनाए जाते हैं पत्थरों से बनाए जाते हैं, लकड़ियों से बनाए जाते हैं, यहाँ पूरी तरह से पीछे दिखा दूँ कि लकड़ी का इस्तेमाल भी है। तो वहीं अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां सपा की सिटिंग सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन क्यों, क्या है पूरी खबर, जिसकी जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स रंग लाई है। एमबीए अब सपा की दो सिटिंग सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, और साथ ही साथ रिश्तों में तलखी जो थी वह इसलिए भी कम होती दिख रही है कि उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर समाजवादी पार्टी ने भाई खला सीट छोड़ दी है। अब समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई दिखा। सपा अपने राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए बेताब दिखी। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा पाने के लिए सपा ने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ा, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में सपा ने 12 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भाव नहीं दिया, और यही वजह रही कि सपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, और उत्तर भारतीयों के साथ साथ मुस्लिम मतों को साथ कर यहां पर बड़ी जीत होने का दावा भी किया। फिलहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन से सपा और एमबीए की जो गठजोड़ थी वह मजबूत होती दिख रही है। सहयोगी बैच के साथ आसिफ, इंडिया वाइज।
तो वहीं श्रीनगर में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने समाधान की मांग की थी, जिसे लेकर एलओपी सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता शुभम वोगल। जिस तरीके से सदर बैठा हुआ था और उसी दौरान जो है 370 और 35 ए का रेजुलेशन जो है उसको आज हरी झंडी मिल गई, और वही उसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां पर मौजूद थे और वहां पर एक बड़ा हंगामा हो गया, और इसी हंगामे को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरा दिन सड़कों पर रहे। चाहे बीजेपी दफ्तर की मैं बात करूं, वहां पर जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के पुतले जलाए गए और कई जगहों पर जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला। पर लगातार जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने उत्तराखंड की चार धाम यात्रा समापन की ओर है, और कांग्रेस यात्रा के शुरुआत से ही भाजपा पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाती रही है। इस बात पर कांग्रेस ने अब क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। धाम यात्रा समापन की ओर है और कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी लगाती रही है। और वहीं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इस बार जो चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या कम रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का फेलियर है, क्योंकि जो चार धाम यात्रा चलती है इस बार देखा जाए तो पिछले साल की भांति कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों की जो संख्या है वो कम जरूर रही है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अब बीजेपी पार्टी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस को जवाब देते हुए साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से देखा जाए कि जो चार धाम यात्रा पूरी चली है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तरह की दुरुस्त की गई थी, लेकिन जो संख्या कम रही है तीर्थयात्रियों की वो कहीं ना कहीं आपदा के कारण रही है, क्योंकि आपदा का कारण। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर राज्य में काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट हारेंगे तो टालेंगे और टालेंगे तो बुरा हारेंगे के सवाल पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं करुणेश पांडे। चुनाव को लेकर के पार्टियां कमर कस चुकी थी, मैं वही बता दूं कि चुनाव आयोग ने जैसे उपचुनाव का तिथि बढ़ा दी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक एक्ट प्रस्तुत किया था कि डालोगे तो और बुरी तरह से हारोगे। इस सवाल पे यूपी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा से फूट डालो राज करो की नीति पे राज की है, और सत्ता को हासिल करने के लिए किसी तरह का षड्यंत्र रचती रहती है, और सत्ता पे काबिज बने रहने के लिए वो हमेशा जो है इस तरह का काम करती रहती है। मैं वही पर आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि 20 तारीख को यह उपचुनाव होने वाला है, और जब परिणाम आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे 2027 हो चाहे 2032 हो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। वही डीजीपी नियुक्ति को लेकर के कहा कि कानून व्यवस्था सरकार के लिए अहम है और सरकार उस पर काम कर रही है। वही मदरसे को पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उन्होंने कहा कि जो आदेश आया है वह सरकार उसका पालन करेगी, और मदरसों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ भी रहे हैं। प्रवेश पांडे इंडिया वॉइस के लिए बलिया। तो वहीं स्थायी डीजीपी बनने पर जनवरी 2026 में प्रशांत कुमार सेवानिवृत्त होंगे, इसी को लेकर प्रशांत कुमार को स्थायी करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। देश के पुलिस विभाग के मुखिया यानी डीजीपी प्रशांत कुमार अब 2 साल तक लगातार डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में नए नियमावली के तहत अब डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को खत्म होगा। हालांकि अगर यह नियमावली न लाई गई होती तो 30 मई 2025 को डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल रहता। फिलहाल कैबिनेट की यह नियमावली कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा रही है, और विपक्षी इस पर निशाना भी साध रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट में एक अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी,
अब यूपी सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी और साथ ही साथ। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था, इसके बाद सुरक्षा बलों के हाथ क्या कुछ लगा है इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम वोगल। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले तो सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था और वहां पे लगातार कल भी वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान जो खबर आ रही है एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकवादी जो है वो बॉर्डर पार बैठे, इनके जो आका है पाकिस्तान में बैठे, उनके इशारों पर जो है यहां पर शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, पर सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। एक आतंकी को मार गिराया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जुड़े ही हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस। वहीं वाराणसी शहर में सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में गन्ना, फल, सूप और दौरा खरीदने की भीड़ उमड़ रही है और इस दौरान प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। घाटों में जो तालाबों में पूरी तरह साफ सफाई में पूरी व्यवस्था टापू द्वारा शुरू कर दी गई है। वहीं वाराणसी में भी तालाब फलों की दुकानों को सजाया गया है जो है टापू और गौरव दिखाई दे रही है। वाराणसी में काला छठ को लेकर लोकसभा तथा बिहार और बिहार संकट जो है वाराणसी की धूप बची हुई है और यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चार दिनों के चलने वाले त्यौहार को लेकर के पहले दिन जो लौकी भात खा करके महिलाएं व्रत रखती हैं और चार दिनों के त्यौहार में चौथे दिन जो है सूर्य को उपहार दे करके सुबह इसकी समापन की जाती है। 7 तारीख को शाम को सूर्य अर्घ्य देने के बाद पुनः आठ तारीख को लेकर के महिलाएँ भक्तों को पालन करेंगी। उनका बाहर से द्वारा भी तैयारियाँ पूरी कर दी गया है और बाजारों में भी काफ़ी रौनक है। दुकानें सड़ चुके हैं, बाजारों में तमाम तरह फलों की दुकानों को भी दिखाई दे रही है। इस तैयारी को लेकर वाराणसी से लोक पर्व के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी उत्साह जो है दिखाई दे रहा है। इंडिया हमीरपुर में दो पत्रकारों से अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। करेला में बीते कुछ दिन पहले दो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी, उसी को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी और उसी को लेकर ब्राह्मण सभा ने भी धरना प्रदर्शन किया और रोड लेकर आज हमीरपुर के जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के सुनील पाठक, उन्होंने शिकायती पत्र प्रदेश लेवल पर लिखा, जिसको लेकर जो प्रदेश के महासचिव आए उन्होंने संज्ञान लेते हुए जो हमीरपुर के सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया और जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी उनके जो साथ जो मारपीट करने वाले थे वो चार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अभी गिरफ्त से दूर है, पुलिस जो है तो उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करेंगे, इसके बाद ही पत्रकार शांत होंगे। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। तो वहीं अल्मोड़ा क्षेत्र के मोरचुला में हुए सड़क हादसे की अब जांच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आरोपों के बीच अब हादसों के कारण भी उजागर होने लगे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। अल्मोड़ा के मोरचुला क्षेत्र में जो बीते रोज जो सड़क हादसा हुआ था जिसमें 36 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हुए थे, उस हादसे के जांच के बाद अब सच्चाई सामने आने लगी है। जिस तरीके से लापरवाही बरती गई जो इस दुर्घटना का कारण बनी उससे सबक लेने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि 2023 में ही क्रॉस बैरियर लगाने के लिए शासन की तरफ से अनुमति दी जा चुकी थी, ऐसे में अब जांच इस बात की चल रही है कि आखिर किस स्तर पर लापरवाही हुई और जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जो दुर्घटना के जो कारण सामने आ पा रहे हैं, जो प्रथम दृष्टि अभी तक नजर आ रहे हैं, उसमें ओवरलोडिंग, ड्राइवर के मानसिक संतुलन, उन सब चीजों को लेकर भी जिम्मेदारी यहाँ पर ठहराने की बात यहाँ पर कही जा रही है।
ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सरकार और प्रशासन दोनों के लिए सबक इस बात के जरूरी है कि जो भीषण हादसे पूर्व में हुए उनसे सबक कब तक लिया जाएगा और कब तक उन कमियों को दूर करने का काम होगा, ताकि इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह की जो घटनाएं, उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। कैमरा मैन थोड़ा इंडिया वाइज। वहीं अल्मोड़ा के बाद हरदोई से भी एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। हरदोई में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां में ऑटो और डीसीएम के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोगों के मौत की खबर है। घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा मामला हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक डीसीएम और ऑटो की आपस में भिड़ंत हुई। एक बाइक को बचाने को लेकर इनकी आपस में तकरार हुई, जिसमें कि ऑटो सवार 6 महिलाएं और 3 बच्चे, एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अच्छे बेहतर इलाज के लिए हरदोई जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है बिलग्राम सीएससी से। आपको बता दें, पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, दुख व्यक्त किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि जो लोग घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज करवाया जाए। और मौके पर आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व अपर पुलिस अधीक्षक नरपेंद्र कुमार वहां मौके पर पहुंचे हैं। जो लोग जिनके शव हैं उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उनके घर परिजनों को, घर वालों को सूचना दी जा रही है, जो कि कुछ लोगों का नहीं पता चल पा रहा है, उनकी भी जानकारी करी जा रही है कि कहाँ से वो लोग आए थे और कहाँ जा रहे थे। सभी लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की पुलिस बाकी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉच। अगली खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में 11 दिनों के ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 11 दिवसीय ब्रज रज तीर्थ महोत्सव यहां पर शुरुआत हो गई है। इसका दीप प्रज्वलित कर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, सांसद हेमा मालिनी ने शुभारंभ किया है और ये 15 नवंबर तक ब्रज रज महोत्सव यहाँ पर चलेगा। यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रज रज महोत्सव के लिए सजाया गया है। तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर प्रतिदिन देंगे। अलग अलग भजन सम्राट और तमाम जो गायक कलाकार हैं वो आएंगे और अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर देंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है, मंच को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अलग ही यहाँ का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। तमाम तरीके के कैंप लगाए गए हैं, कई विभागों के कैंप लगाए गए हैं। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यानी ब्रज रज महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ पे होता है और इसको उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें, यानी उनके भी आने की संभावना जताई जा रही है। खुद सांसद हेमा मालिनी, जो फिल्मी दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती हैं और मथुरा की सांसद हैं, वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देती हैं। इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसको सजाया गया है और ये 11 दिन का ब्रज रज महोत्सव चलेगा और शाम के समय यहाँ पर काफी जो है श्रद्धालु और मथुरा के लोग यहाँ पर देखने आते हैं। काफी भीड़ रहती है यहाँ पर और जो कलाकार हैं वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं। अपना कैमरा सहयोगी के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। वहीं हमीरपुर की फैक्ट्री में एक मजदूर के परिजनों ने बाहर फैक्ट्री के बाहर जमकर हंगामा किया और फैक्ट्री के प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। क्यों ये परिजनों ने हंगामा किया है, क्या कुछ मामला रहा है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया में उस समय परिजनों ने जाम लगा दिया, जिस समय एक मजदूर की 9 अक्टूबर को घायल हो गया था और उसी को लेकर इलाज नहीं हो पा रहा था, इलाज के लिए पैसा कम पड़ रहा था और जो फैक्ट्री मालिक है वो पैसा भी नहीं दे रहा था। इसी को लेकर आज परिजनों ने जाम लगाया। जाम लगाने के बाद जो मेन गेट है फैक्ट्री का वो भी नहीं खोलने दिया, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहुँचता और जाम खुलवाता और गेट भी खुलवाने की कोशिश करता, लेकिन मजदूर नहीं मांगते। उनकी मांग है कि जो मजदूर हैं उनके
जो घायल है उसके पिता है उसको इलाज के लिए पैसा दिया जाए, इसी को लेकर वो जाम लगाए हुआ है। इंडिया वाइज से रूपेश गुप्ता हमीरपुर। वहीं वाराणसी के भेलूपुर थाना के पास पानी टंकी के नजदीक उस समय अफरा तफरी मच गई जब मिट्टी की एक ऊंची दीवार भरभराकर गिर गई और काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। एक निर्माणाधीन मकान के अंडरग्राउंड में काम करने की वजह से लगभग 11 मजदूरों के मिट्टी के मलबे में दबे रहने से हालत काफी गंभीर हुई। ट्रामा सेंटर में, नजदीकी ट्रामा सेंटर में मजदूरों को भर्ती कराया गया, जहां दो मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर चिंताजनक बताई जाती है। वहीं एक मजदूर की मौत भी इस घटना से हो गई। वर्तमान में भेलूपुर थाना अंतर्गत पानी टंकी के पास एक होटल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जहां अंडरग्राउंड के कार्य किए जाने पर लगभग 10 फीट ऊंची मिट्टी की दीवार भरभराई। उस दौरान मौके पर मौजूद 11 मजदूरों के मलबे में दबे रहने से काफी गंभीर जो है हालत गंभीर हुई, जिनको लेकर के भर्ती कराया गया ट्रामा सेंटर में। वर्तमान में सभी 11 मजदूर मिर्जापुर के निवासी बताए जाते हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं ठेकेदार के अंडर में। एक ही दिन पूर्व काम करने पहुंचे, जहां पे आज यह वारदात या घटना घटी है। वर्तमान में हालत दो लोगों की हालत चिंताजनक बताई जाती है और एक मजदूर की मौके पर मौत हो चुकी है। आला अधिकारी प्रशासन मौके पर मौजूद हुए हैं घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए। तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। वारसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज।